जी अस्सलाम वालेकुम। अल अली ग्रुप में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं जिस घर में मौजूद हूँ ये फुली फर्निश्ड घर है, अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन में तैयार करता है ये खूबसूरत घर है। DHF Phase 6 लाहौर की काफ़ी अच्छी और प्राइम लोकेशन बनती है इस घर की। सबसे पहले आप फ्रंट एलिवेशन को देखते हैं तो फ्रंट के ऊपर आपको इम्पोर्टेड टाइल वॉक मिलेगा, पेनलिंग वॉक मिलेगा, बेल्कनीज आपको मिलेंगी और इसी तरीके से खूबसूरत आपको ग्लास वॉक मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए आपको खूबसूरती से विंडोज वॉक मिल जाएगा। प्लॉट की जो डायमेंशंस हैं वो 50x90 है, 50 फीट इसका फ्रंट है, 90 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। अकोमोडेशंस के हवाले से आपको बताते चलें तो इस घर में 5 मास्टर बेडरूम्स हैं और इसी तरीके से इस घर में आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाता है। जितना भी इस घर में फर्नीचर इंस्टॉल्ड है वो टोटली आपको सॉलिड और इम्पोर्टेड फर्नीचर इंस्टॉल्ड मिल जाता है। इस घर की काफ़ी सारी ऐसी खसूसियात हैं जो कि आपने इससे पहले एक कनाल के घरों में नहीं देखी होंगी। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये बाहर कार एम्पेरिया है और इसी तरीके से इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये बाहर एक्सटर्नल लॉन एरिया है जहाँ पे ये खूबसूरत पाम ट्रीज हैं, ऑर्गेनिक यहाँ पे आपको टोटली काम मिल जाता है। बाउंड्री वॉल पे भी अगर आप देखते हैं तो आपको इम्पोर्टेड टाइल वॉक मिलेगा। मजीद आपको लेके जाते हैं घर के अंदर। इस घर का जो इंटीरियर है वो भी आम घरों से काफ़ी डिफरेंट है, आपको क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये गैरेज स्पेस है जिसमें तकरीबन 3 से 4 बड़ी गाड़ियाँ बासानी पार्क कर सकते हैं। इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये इनर कोर्ट यार्ड है। अच्छा, इस घर की जो सबसे ख़ास बात है जो कि बजाते खुद मुझे पसंद भी है वो ये है कि जब आप गैरेज में आते हैं तो जो लॉबी के एंट्रेंस है वो बिल्कुल साइड पर रखी गई है। काफ़ी सारी इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि आप एक गाड़ी एक्स्ट्रा यहाँ पर आगे पार्क कर सकते हैं, बाहर से कोई गुजरता है या आपके साथ गेस्ट आते हैं तो डायरेक्टली घर में नज़र नहीं पड़ती। कीस्टोन का ये प्रोजेक्ट है और अंडर द रूफ ने इस घर को डिज़ाइन किया है। आप मज़ीद आगे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये खूबसूरत ग्रेनाइट स्टेप है। एक स्टेप ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये खूबसूरत लॉबी की एंट्रेंस आ जाती है। फुल हाइटेड आपके पास ये एंट्रेंस डोर है। मज़ीद आप मेरे साथ घर के अंदर आते हैं तो अंदर से भी आपको फुल डिटेल से घर विज़िट कराते हैं। अंदर ये जी इसकी डबल हाइटेड लॉबी है। लॉबी में अगर आप ऊपर देखते हैं तो ये खूबसूरत कस्टमाइज हैंगिंग शैंडलियर्स हैं जो कि इम्पोर्टेड है और ऊपर अगर आप क्लोज करके देखते हैं तो एक एक शैंडलियर को हाथ से लगाया गया है। तकरीबन 2 हफ्तों का टाइम सिर्फ इस शैंडलियर को इंस्टॉल करने में लगा है। मज़ीद आपको आगे भी घर फुल डिटेल से विज़िट कराते हैं। ये जी हम घर में एंटर हो चुके हैं। एंटर होते साथ ही सबसे पहले ये आप डबल हाइटेड खूबसूरत लॉबी देख सकते हैं जहाँ पे ऊपर ये खूबसूरत कस्टमाइज्ड चैंडलियर्स हैं। जब आप घर में एंटर होते हैं तो आपका घर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। राइट साइड पे आपका फैमिली एरिया है जहाँ पे किचन है, टीवी लाउंज है और इसी तरीके से 2 बेडरूम्स हैं। यहीं से आप ऊपर वाले पोर्शन में भी जा सकते हैं और इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर आपका पब्लिक एरिया आता है जहाँ पर ड्राइंग रूम है और इसी तरीके से डाइनिंग एरिया है। और जब आप घर में एंटर होते हैं तो ये लेफ्ट साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी पाउडर बाथ है। उसके साथ ही अगर आप देखते हैं तो ये वही ड्राइंग एरिया है, उसके साथ ही डाइनिंग है और इसी तरीके से ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स के नीचे अगर आप देखते हैं तो ये स्टडी एरिया है। 3 आपके पास ये ग्रेनाइट स्टेप्स हैं। नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये खूबसूरत स्टडी एरिया है और यहीं से ऊपर वाले पोर्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। खूबसूरत ये स्टेयर डिज़ाइन है और बिल्कुल अपोजिट साइड पर अगर आप देखते हैं तो लाउंज एरिया है जहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं और इसी तरीके से किचन है। और यहाँ से आपको ये खूबसूरत एंट्रेंस डोर दिखाते चलें। बिल्कुल ऊपर अगर आप देखते हैं तो अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे गए हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। और इसी तरीके से ये जी खूबसूरत एंट्रेंस डोर है। तकरीबन 11 से 12 फीट पर मुश्तमिल इसकी हाइट है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जी खूबसूरत गुलाई में कंसोल है जहाँ पे डेकोरेशन पीसीज रखे गए हैं। और यहाँ से आपको एक दफ़ा फिर से फुल व्यू करवाते चलें। यहाँ से आपको लेके जाते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ये जी ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है। ये खूबसूरत आपका ड्राइंग रूम एरिया है जहाँ पर ये खूबसूरत सोफ़ा सीटिंग है, दरमियान में कॉफ़ी टेबल्स हैं। वॉल्स पर अगर आप देखते हैं तो 3D वॉलपेपर वर्क है। दूसरी साइड पर अगर देखते हैं तो डाइनिंग एरिया है और इसी तरीके से बिल्कुल सामने खूबसूरत वॉल डिज़ाइन है जहां पे
आप देख सकते हैं इम्पोर्टेड टाइल वर्क है, ऊपर अगर आप देखते हैं तो खूबसूरत शैंडलियर्स हैं, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, और बिल्कुल सामने जी विंडो है, कर्टन्स हैं, इस साइड पे भी ये खूबसूरत कंसोल है जहाँ पे डेकोरेशन पीसेज रखे गए हैं। नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जी वुडन फ्लोर है, और आपको लेके जाते हैं आगे डाइनिंग की तरफ। ये जी डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 लोगों की स्पेस है बैठने की, और इस साइड से भी आपको फुल व्यू दिखाते चले। ये डाइनिंग एरिया आप क्लोज करके देख सकते हैं, खूबसूरत यहाँ पे ये सोफ़ा सिटिंग्स हैं, बिल्कुल सामने यहाँ पे भी विंडो है, वॉल्स वगैरह देखते हैं तो खूबसूरती से आपको काम मिल जाता है। अच्छा, जो डाइनिंग का कनेक्शन है किचन के साथ वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से रखा गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपका किचन है, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जी डाइनिंग एरिया है। किचन आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं, फुल डिटेल के साथ आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। आप ज़रा से गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। ये जी हम फिर से आ गए डबल हाइट लॉबी में, और यहीं से आपको लेके जाते हैं आगे लाउंज की तरफ। ये जी टीवी लाउंज एरिया है, टीवी लाउंज में ये खूबसूरत सोफ़ा सीटिंग है, और इसी तरीके से दरमियान में अगर आप देखते हैं तो ये वही कॉफ़ी टेबल्स हैं, और बिल्कुल सामने जी मीडिया वॉल है, LCD है, पूरे घर में CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, और इसी तरीके से ग्राउंड फ्लोर के 2 बेडरूम्स हैं। इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी किचन एरिया है, नीचे अगर आप देखते हैं तो ये जी इम्पोर्टेड टाइल्स आपको इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं, ऊपर अगर देखते हैं टीवी लाउंज में तो ये खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, और इसी तरीके से ये शैंडलियर है, सीलिंग फैंस हैं। वॉल्स पर अगर देखते हैं तो टोटली आपको इटालियन नोवा पेंट मिल जाता है, बिल्कुल सामने विंडो है, उसी तरीके से कर्टन्स हैं, और ये आप क्लोज करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल सामने खूबसूरत मीडिया वॉल है, और यहाँ से भी आप फुल व्यू ले सकते हैं। बिल्कुल सामने अगर देखते हैं तो आपके पास किचन की स्पेस आ जाती है, तो आइए आपको लेके जाते हैं किचन की तरफ। ये जी किचन एरिया है, किचन में आपके पास ये डबल डोर फ्रिज है, सर्विस किचन है, और इसी तरीके से माइक्रोवेव ओवन, काफ़ी सारी आपको एक्सेसरीज इंस्टॉल मिल जाती हैं। काफ़ी खूबसूरत अंदाज से किचन को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे अगर देखते हैं किचन में, ये वही सर्विस किचन है, और यहाँ से आपको पहले दिखा चुके हैं, बिल्कुल सामने आपका डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये वही स्टडी एरिया है, जो कि स्टेयर्स के नीचे इस एरिया को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से डिज़ाइन किया गया है। वॉल्स पे वही इटालियन नोवा पेंट है, मुकम्मल लॉबी के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको इटालियन नोवा पेंट मिल जाता है। तो आइए आपको लेके जाते हैं आगे की तरफ। ये जी हम फिर से आगे किचन में, बिल्कुल सामने अगर आप देखते हैं तो ये जी सर्विस किचन है। इस किचन का जो कनेक्शन है वो बाहर साइड गली के साथ भी है, मुलाजमीन के इस्तेमाल के लिए काफ़ी आपके पास ये अच्छी ऑप्शन है। आपको लेके जाते हैं फिर से टीवी लाउंज की तरफ। ये जी वही लाउंज एरिया है, और टीवी लाउंज से आपको लेके जाते हैं आगे बेडरूम्स की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत यहाँ पे शीशा लगाया गया है, बेडरूम में जाने से पहले आप अपनी ज़्यारत भी कर सकते हैं। खूबसूरत यहाँ पे ये कंसोल है, आमने सामने 2 बेडरूम्स हैं, एक ये बेड है और उसके सामने ये दूसरा बेड है। तो आइए आपको लेके जाते हैं मास्टर बेडरूम में। ये जी ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेड है, बेडरूम ही साइड पे ये स्टडी के लिए आपको ये स्टडी टेबल मिल जाती हैं, उसके साथ ही ये सोफ़ा चेयर है। खूबसूरत आपके पास ये बेड डिज़ाइन है, बैक साइड पे खूबसूरत बेड वॉल है, बिल्कुल सामने जी सोफ़ा चेयर है, उसी तरीके से विंडो है, कर्टन्स हैं, अटैच वॉशरूम है, इस साइड पे ये मीडिया कंसोल है। ऊपर अगर देखते हैं तो खूबसूरत इसमें सीलिंग डिज़ाइन है, नीचे अगर आप देखते हैं तो ये जी वुडन फ्लोर है, बगैर कटिंग की फुल डिटेल के साथ आपको ये वीडियो मिल जाती हैं, ताकि फ्लोर प्लान समझने में आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाए। ये जी अटैच वॉशरूम है इस बेडरूम के लिए, वॉशरूम में जकूजी की जगह पे आपके पास जो खूबसूरत स्विमिंग पूल है, अमूमन यहाँ पे लोग जकूजी रहते हैं, लेकिन जकूजी की जगह पे जो स्विमिंग पूल है, इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी रेसन एरिया है, शावर केबिन है, और ये जी क्लोजेट एरिया है। यहीं से आपको लेके जाते हैं बाहर फिर से बेडरूम में, और बेडरूम से आपको लेके जाते हैं ग्राउंड फ्लोर के दूसरे मास्टर बेडरूम में। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत डिज़ाइन है, और इसी तरीके से प्रोफाइल लाइट है आपके पास, ये बिल्कुल सामने इलेक्ट्रिक फायरप्लेस है। ये जी ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेड है, जिसमें खूबसूरत बेड डिज़ाइन है, बिल्कुल सामने विंडो है, अटैच वॉशरूम है, इस साइड पर खूबसूरत आपके पास मीडिया कंसोल है,
इस साइड पे भी ये दूसरा टेबल है जहाँ पे आप डेकोरेशन के लिए चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, एयर कंडीशन है, और यहाँ से आपको ये बेड का मुकम्मल व्यू करवाते चलें। खूबसूरत ये बेड डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इस साइड पे भी ये एक सोफ़ा चेयर है, और इसी तरीके से ये जी अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में ये बेसिन एरिया है, और इसी तरीके से बिल्कुल सामने जी रेन शावर के साथ शावर केबिन है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी कमोड है जो कि वॉल फिटेड है, और ये जी खूबसूरत आपके पास ये क्लोजेट एरिया है। आपको लेके जाते हैं फिर से बेडरूम में, और बेडरूम से आपको लेके जाते हैं बाहर टीवी लाउंज एरिया में। ग्राउंड फ्लोर तकरीबन फुल डिटेल से आप विजिट कर चुके हैं। अब आपको लेके जाते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पे तीन मास्टर बेडरूम्स हैं, और इसी तरीके से ओपन में टेरेस एरिया है, और आपको किचन मिल जाता है, लाउंज एरिया है। ये जी खूबसूरत स्टेयर डिज़ाइन है जहाँ पे ये ग्रेनाइट के खूबसूरत स्टेप्स हैं। ये खूबसूरत आप देख सकते हैं डेकोरेशन के लिए आपको चीज़ें मिल जाती हैं। वॉल्स वगैरह देखते हैं तो ये वही इटालियन नोवा पेंट है। जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी दो हिस्सों में फर्स्ट फ्लोर को डिवाइड किया जाता है। आपके अगर आप देखते हैं लेफ्ट साइड पे तो पब्लिक एरिया है, इसी तरीके से राइट साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी फैमिली एरिया है। सबसे पहले आपको फैमिली एरिया में लेके जाते हैं, और फिर आपको अपोजिट साइड पे दिखाते हैं जो कि मास्टर बेडरूम है। यहाँ से आप ये खूबसूरत शैंडेलियर का व्यू कर सकते हैं, और इसी तरीके से यहीं से आपको लॉबी का भी फुल व्यू करवाते चलें। तो आइए जी चलते हैं टीवी लाउंज की तरफ। ये जी लाउंज एरिया है, स्टोर है, और यहाँ पे आपके पास ये किचन की स्पेस है, छोटा सा यहाँ पे किचन है। ये जी लाउंज एरिया है, वॉल्स पे वही इटालियन नोवा पेंट है, और मीडिया कंसोल है, बिल्कुल सामने दो बेड है, बाहर आपके पास टेरेस एरिया है, और ये जी लाउंज एरिया है। खूबसूरत यहाँ पे सोफ़ा सीटिंग है, कॉफ़ी टेबल्स हैं, और खूबसूरत व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको लेके जाते हैं आगे बेडरूम्स की तरफ। ये जी ऊपर वाले पोर्शन का मास्टर बेड है, जिसके कनेक्शन बाहर आप देख सकते हैं टेरेस के साथ है। बाहर ओपन में काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत टेरेस है। ये खूबसूरत आप बेड का डिज़ाइन देख सकते हैं। नीचे अगर आप देखते हैं तो वुडन फ्लोर है, ऊपर ये खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। बिल्कुल सामने जी आपके पास खूबसूरत कंसोल है, बिल्कुल सामने क्लोजेट एरिया है, वॉशरूम है, यहाँ पे ये मीडिया कंसोल है, सोफ़ा चेयर है, और ये जी अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में ये क्लोजेट एरिया, और इसी तरीके से बेसन एरिया, शावर केबिन, कमोड एरिया, मुकम्मल वॉल्स पे इम्पोर्टेड टाइल वर्क है। क्वालिटी पे आपको किसी हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ पूरे घर में नहीं मिलेगा। ये जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर का दूसरा बेड है, इसमें खूबसूरत बेड डिज़ाइन है, बिल्कुल सामने जी विंडो है, और इसी तरीके से वॉशरूम है। नीचे अगर आप देखते हैं तो इसमें भी आपके पास ये इम्पोर्टेड जर्मन वुडन फ्लोर है, और ये जी अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में ये बेसिन एरिया, और इसी तरीके से शावर केबिन है, बिल्कुल सामने जी कमोड एरिया है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी क्लोजेट एरिया है। 17.5 करोड़ इस घर की डिमांड है, 17 करोड़ 50 लाख इस घर की डिमांड है, प्राइस निगोशिएबल है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आके इस घर को विज़िट करना चाहें तो आप इस घर को विज़िट भी कर सकते हैं। आपको लेके जाते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पे आपके पास मास्टर बेडरूम है, जिसे आप एज ए गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सामने जी मास्टर बेड है, और यहाँ से ये वही लॉबी का फुल व्यू है। तो आइए चलते हैं मास्टर बेडरूम में। ये जी मास्टर बेड है, जिसके साथ बिल्कुल सामने अटैच वॉशरूम है। खूबसूरत ये बेड डिज़ाइन है। इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी आपके पास खूबसूरत सीटिंग एरिया है, काफ़ी बड़ा आपको ये बेडरूम मिल जाता है। इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में बिल्कुल सामने जगोजी है, मुकम्मल वॉल्स पर यहाँ पर भी खूबसूरत टाइल वर्क है, और इस साइड पर आपके पास ये सेपरेट आपका क्लोजेट एरिया है। 17.5 करोड़ इस घर की डिमांड है, प्राइस निगोशिएबल है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके इस घर को विज़िट कर सकते हैं। हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन हजरात के पास अपने ज़ाती घर नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क़े हलाल से हम सब को अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।